देश भर में 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस दिन बालाघाट के मुलना स्टेडियम में परेड का आयोजन होगा। परेड को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा। 9:05 पर मुख्य अतिथि के द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। 9:10 पर मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्यमंत्री जी का संदेश वाचन किया जाएगा और 9:25 पर परेड मार्च पास्ट और 9:50 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात पुरस्कार वितरण और कार्यक्रम का समापन होगा। इसी कड़ी में शाम 7 बजे से उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में भारत पर्व का आयोजन भी होगा। कला पथक दल बालाघाट के द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश गान से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तत्पश्चात बुंदेलखंडी लोकगीत की प्रस्तुति माखनलाल अहिरवार एवं साथियों के द्वारा दी जाएगी, जबकि लाल सिंह मरकाम डिंडोरी की टीम द्वारा बैगा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। जिला प्रशासन बालाघाट के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। मैं भी बाघ थीम पर कान्हा टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र समनापुर बफर द्वारा अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को एक बाघ पारिस्थितिकीय तंत्र पर्यावरण और जंगल में संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, उसी बाघ की तरह अपनी शक्ति को पहचानते हुए ऊर्जावान छात्रों को वन वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु आह्वान किया गया। 2 दिनों तक चले इस अनुभूति कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वन वन्य प्राणी एवं पर्यावरण की अनुभूति कराकर संरक्षण हेतु जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में 6 शासकीय विद्यालय जिसमें केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड, हाई स्कूल समनापुर, माध्यमिक शाला जयरासी, माध्यमिक शाला बासिनखार, माध्यमिक शाला देवगांव और माध्यमिक शाला बाकीगुड़ा के कुल 257 छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने शिविर में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुक्की गेट से पार्क सफारी के दौरान पक्षी और वन्य प्राणी दर्शन, नेचर ट्रेल भ्रमण, क्विज प्रतियोगिता तथा पॉलीथीन प्रतिबंधित कर गमछे और बिना सिले कपड़े से बैग बनाकर उनका उपयोग करना, पर्यावरणीय खेल जैसे सांप सीढ़ी, जंगल जासूस तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ ग्रहण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों के द्वारा मैं भी बाघ गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग खरे ने क्विज प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। उनके अलावा कार्यक्रम में डीकेश चौधरी प्रोग्रामिंग ऑफिसर कार्बेट फाउंडेशन, अजय ठाकुर सहायक संचालक मलाजखंड, सीता जामरा वन परिक्षेत्र अधिकारी समनापुर, वीरेंद्र जामोर वन परिक्षेत्र अधिकारी मुक्की, मास्टर ट्रेनर्स पीएस मसराम सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी सुश्री लक्ष्मी मेरावी, वन रक्षक शिव कुमार यादव, कार्यवाहक वनपाल घनश्याम सयाम, नरोत्तम मरावी, टहल सिंह मानेश्वर और नरेंद्र कुमार यादव वन रक्षक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। दक्षिण बैहर में दलदला क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो चुका है। ग्राम पंचायत दलदला के दिवंगत महानुभावों की पुण्य स्मृति में इस प्रीमियर लीग का आयोजन तपन राजा चौधरी के द्वारा किया गया।
जिसमें विजेता टीम को 21,001 रुपये की नगद राशि एवं उपविजेता टीम को 11,001 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज 25 जनवरी को दलदला प्रीमियर लीग के तहत तीसरे दिन 4 मुकाबले खेले गए, जिसमें किंग्स 11 दलदला, उकवा 11, कर्मचारी 11, एफसीसी सोनपुरी ने लीग मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारती पारदी, हेमा वाधवानी, लीना भुवन रहांगडाले, तत्पश्चात यज्ञेश लालू चावड़ा, सुशील सिंह ठाकुर, राहुल सोनी, सौरभ सिंह ठाकुर, छोटू रंगलानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।